हाल वो लाला फूलचंद जरूर की है, लेकिन ई हाल तक पहुंचाने वाले तुम दोनों जिम्मेदार हो। पर अगर आज मौका मिला और तूने आनंदी को इस गांव से निकालने में मौका छोड़ा, तो याद रखना, जब भी पियोगे करेले का जूस ही पियोगे। हे भगवान, किस बदमाश ने तुम्हारा यह हाल किया? क्या लोगों में पुलिस और प्रशासन का डर खत्म हो गया है? लाला फूलचंद राम कुमार, चलो हम अभी पंचायत के पास जाते हैं। कर्जा लिया है तो क्या हाथ उठाएगा और माथे पे ये सब लिखेगा? कानून नाम की चीज कोई है कि नहीं इस गांव में? तुम चलो मेरे साथ, हम भी देखते हैं कि वो कैसे बचता है। चलो उठो। ठहरो। तुम जाना तो चाहती हो पंचायत में, लेकिन पंचायत में जाके कहोगी क्या? अब कहना क्या है, सब कुछ तो दिख रहा है, कैसे हाल कर दिया है बेचारी का। हाँ, दिख तो रहा है, और साथ में यह भी दिख रहा है कि इस मिश्री ने झूठ बोला। इसकी बहू ने भी झूठ बोला। कर्ज तो लिया, ना उसका मूल चुकाया और ना ही ब्याज, और ऊपर से अपने वादे से मुकर गई है। और कौन जाने मिश्री ने उस कागज पे खुद अंगूठा लगाया है या जैसा वो बोल रही है वैसा ही हो रहा है। माई झूठ का है बोलेगी, वो लाला ने ऐसा किया है तभी तो माई बोल रही है। ए? दो झापड़ मारेंगे तेरे और मगध संग कर देंगे। हमारी बात के बीच में बोलने की जरूरत तो तुम्हारे पुरखों में नहीं है, और तू हमारी बात काटता है। चुपचाप अपनी जबान सिलकर खड़ा रहे, वरना तेरी जबान खींच लेंगे हम। मान लेते हैं कि पंचायत में ये चली भी गई, और पंचायत में जाके जब लाला बोलेगा कि पूरा पैसा लौटा दो, कि पूरे पैसे लौटाने के लिए, तो क्या ये लौटा पाएगी पैसे? बता मिश्री, लौटा पाएगी पूरे पैसे? नहीं मालिक। ये सब नहीं होता अगर आनंदी अपनी जुबान न चलाती। चार अक्षर क्या पढ़ ली, खुद को कलेक्टर समझने लगी है। वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, यही हाल है उस लड़की का। लेकिन हमें सोचना यह है कि अब करना क्या है।
उसको तो मिश्री खुद ही बाद में समझा देगी। तो क्या फिर उसे हम ऐसे ही जाने दें? शांत हो जाओ तुम, ये सब तुमसे नहीं सुलझेगा, इसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा। पर अब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी पर खरोंच भी ना आए। नहीं समझी? जाओ तुम खाने की व्यवस्था करो। ठकुराइन, देसी घी में पूरी बनाइएगा। हाँ और सुनो, पंडित के लिए जहर ले आना। हम दिखाएंगे लाला को कि क्या होता है जब माधव चौधरी लाल होता है। ए, जाओ लाला को लेकर आओ, यहां इसी वक्त जाओ। मिश्री, तेरी सारी परेशानी की जड़ तेरी बहू आनंदी है। ना वो लाला से 10 दिन के अंदर पैसे लौटाने को बोलती और ना लाला फूलचंद होशो हवास खोके ऐसा कदम उठाता। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा बहू बैठकर फसाद फैलाएगी, सास को दर दर पीटा जाएगा। तेरी हर परेशानी का कारण तेरी बहू आनंदी है, कुछ समझ में आया? पंडित जी, आप तो विद्वान हैं, आप तो जरूर रास्ता दिखा सकते हैं। मैं एक ही रास्ता है, जो तूने कर दिया तो जीवन में सुख ही सुख मिलेगा तुझे। वो क्या पंडित जी? शादी। इस बोतल बेटे अभिलषवा की शादी। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। इस अभिलषवा की दूसरी शादी करवा कर आनंदी को घर से निकालने का रास्ता बना, तभी दिन सुधरेंगे तेरे। 100 बात की एक बात समझ ले, आनंदी तेरे लिए अशुभ है और तेरे सभी मुसीबतों की जड़ वही है। आनंदी तेरे घर वालों के लिए अभिशाप है, अभिशाप। लेकिन पंडित जी, आनंदी तो बहुत अच्छी है। वो हमारे घर में सबके बारे में सोचती है। हमारे घर के लिए अभिशाप और अपशगुन कैसे हो सकती है? ए पीताम्बर, हमरे तबेले के गाय और भैंस के गोबर उठा उठा के तू तो बहुत समझदार हो गया है, बहुत ज्ञान आ गया है तुझमें। लगता है अब हमें साफ साफ बोलना ही होगा। पहले ही दिन से मुझे इस बात का अंदेशा था, आनंदी का इस गांव में आना एक आंधी तूफान की आहट है। मिश्री, तुम्हारी इस बात से हमें यकीन हो गया कि आनंदी नाम का तूफान सबसे पहले तुम्हारे घर को तहस नहस करने की दिशा में है और धीरे धीरे ये पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। अभी भी वक्त है, समझ सकती है तो समझ जा, नहीं तो सब गवाह बैठेगी तू। हमरी इस बात की गांठ बांध ले, तू अगर हमारे कहे पे चलेगी तो हम सब संभाल लेंगे। मेरे मना करने पर लाला की मजाल नहीं है कि तुझे कुछ कहे, वो हिम्मत भी नहीं कर सकता है तेरे परिवार की ओर देखने का। तू सूद और मूल के पैसे जब चाहे आराम से दे देना। देख, लाला कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे आनंदी की कुर्बानी देनी होगी।
क्या बात है आनंदी, काहे इतना परेशान हो रही हो? दीदी परेशान ना हो तो और क्या करें, वो हम लाला फूलचंद को जवान दे दिए हैं कि 10 दिन में उनका कर्जा हम चुका देंगे, पर इतना बड़ा रकम हम 10 दिन में कहाँ से लाएंगे? हमारा तो जान ही निकला जा रहा है दीदी। कहाँ सोचकर इसमें इतना कूदी थी, कहाँ से 10 दिन में पैसा का बारिश हो रहा था का? दीदी हम तो सोचे थे जमीन को गिरवी रख के लाला फूलचंद का कर्जा चुका देंगे और धीरे धीरे हम सब काम करके वो जमीन छुड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया। जिस जमीन के भरोसे लाला फूलचंद को हम जबान दिए थे वो तो जमीने नहीं है अपने पास, अब जब जमीन ही नहीं है तो लाला फूलचंद का कर्जा कैसे चुकाएंगे हम? इसी को कहते हैं करे कोई और भुगते कोई। अय्याश तो यही दोनों माँ बेटा है, अय्याशी करते हैं और बाद में सबको परेशानी में डालते हैं। क्या करे दीदी, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा इतना सोचने से ना आसमान से कोनो पैसा नहीं गिर जाएगा और ना ही लाला का कर्जा चुकता हो जाएगा, जो होना है ना वही होगा। इसलिए तुम छोड़ दो ये सब चिंता, अगर तबीयत वबीयत खराब हो गया ना तो यहाँ डॉक्टर से दिखाने के लिए भी कोई नहीं तुमको लेके जाएगा, समझी? सच बोले ना तो तुम्हें भी बुरा लग जाएगा। दीदी हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, हमको बताइए ना कि सच क्या है। नहीं बहन, हम तुमको कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ दिन ठहरो तुमको सब पता चल जाएगा। आपको कसम है देवी मैया की, बता दो क्या बात है। तुम काहे हमको इतना परेशानी में डाल रही हो? हाँ, और उस सासू माँ को पता चला ना तो वो हमको तो मार ही डालेगी, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेगी, और उनको इहो लगेगा कि ये हमारी बहू को भड़का रही है। हम कसम खाते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अभिलाष कुछ नहीं करता है और अपने लफंगे दोस्तों के साथ खाली इधर उधर घूमते रहता है। ये सब तो इसीलिए होता है कि वो सास ही हमारी बढ़ावा दे रही है इन सब चीजों को, इसीलिए वो किसी का बात नहीं सुनता है। वो तो 8 दिन से हम देखिए रहे हैं कि घर में क्या चल रहा है, पीताम्बर भैया की भी बात नहीं सुनता है ये अभिलाष। वो तो समझा समझा कर थक गए और अब तो कहना भी छोड़ दिए उन्होंने। समझाने पर एक तो अभिलाष से झगड़ा होता था रात दिन, और ऊपर से माँ जी भी उन्हें कोसती थी, वही है जो रात दिन मेहनत करके लेनदारों का कर्जा लौटाते थे। जब ये दोनों माँ बेटा नहीं सुधरे, कर्जा लेने की आदत नहीं छोड़े, तब इन्होंने साफ मना कर दिया कि अब आप कर्जा नहीं सधाएंगे। सासू माँ को लगता है कि हमने ही उनको बहला फुसला कर सिखा दिया है कि कर्जा मत लौटाओ। अब हम तुमको क्या बताएं, क्या क्या अत्याचार किया है इन दोनों ने हमारे कलेजे पे। दीदी आप चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक करोगी बहन, क्या ठीक करोगी? नहीं जानती इस कलेजे पर इन दोनों ने काका घाव लगाए हैं, अब हम बच्चा नहीं जन्म दे पा रहे हैं, तो हमें क्या गलती है इसमें? हम कौन सा बाबा, कौन सा मंदिर, कहाँ कहाँ नहीं गए इस बच्चा के लिए, बरगद से लेके चीटी तक का पैर धोके पिए, काका नहीं किए इस बच्चे के लिए। दीदी बच्चा होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हमारी सास तो समझती है ना सब हमारी गलती है, तभी तो सारे गांव के सामने में हमको ताना मारते रहती है। जब अपने ही पराए हो जाते हैं ना तो पराए का क्या करे, वो भी ताना मार मार कर जीना बुहाल करके रखे हुए हमारा। दीदी अब तक जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा, अब चिंता मत करो, अब आप अकेली नहीं हो, अब आपकी देवरानी आनंदी भी आपके साथ है। अब फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं। यहां बैठने से पहले जमींदार माधव चौधरी की परमिशन लेनी पड़ती है। माफ कर दीजिएगा जमींदार बाबू, तब नहीं सोचा जब हमारे रैयत के साथ तुमने जुल्म किया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुझे आनंदी को अपने घर से बाहर निकालना होगा और अभिलाषवा की दूसरी शादी करानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं, ये क्या सलाह दे रहे हैं आप इसे? सही तो बोल रहे हैं, इसमें गलती क्या है?
आप क्या जानेंगी कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। हम जो भी कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। पर शांत रहिए आप। जमींदार बाबू प्रणाम। लाला 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 हिम्मत कैसे हो गई तेरी बैठने की। जब तक बोला ना जाए खड़े रहो। ये हमारा घर है लाला, कोई सराय नहीं। जिसका मन करे आए बैठे और चला जाए। यहां बैठने से पहले जमींदार माधव चौधरी की परमिशन लेनी पड़ती है। माफ कर दीजिएगा जमींदार बाबू। तब नहीं सोचा जब हमारे रैयत के साथ तुमने जुल्म किया। क्या सोचा था मिश्री कमजोर है, ब्याज खा के चर्बी चढ़ गई है तुझको। माफ कर दीजिएगा जमींदार बाबू, हमारा कर्ज अगर नहीं लौटेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना साहब। मेरे पास आपकी तरह कोई बाप दादा की जमींदारी तो है नहीं कि पैसा दिया और ऐसे ही भूल जाए। चुप। तुम अच्छी तरह उसे समझाते, गुस्सा होते, अगर फिर भी बात ना बनती तो पंचायत जाते, वहीं फैसला होता ना। ये जान लो कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। ये जानकर हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। आज के बाद हम तुम्हारा ऐसा व्यवहार किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, सुना नहीं तुमने? बर्दाश्त नहीं करूंगा। जमींदार बाबू, हम भी तो आपकी रैयत ही हैं। हमने कौन सा गुनाह किया? हमने तो इसकी मुसीबत के वक्त पर इसकी मदद की। बताइए हमारा पैसा कब मिलेगा? किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर मिश्री का निकम्मा बेटा तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाता है तो हम तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे। ये बात बोल के आपने हमारे सिर का बोझ कम कर दिया। हम आज गंगा नहा ली। मिश्री तुम्हारी ऐसी हालत ना होती अगर ये तुम्हारा निकम्मा बेटा काम कर रहा होता। निकम्मा कहीं का। और फूलचंद कुछ दिन और मोहलत दे दो इन लोगों को, कर्ज तो तेरा चुका देंगे ये। और अगर नहीं चुकाते तो हम पे तो भरोसा है ना, या हम पर भी नहीं है? मालिक कौन होगा जो आप पर भरोसा नहीं करेगा। मालिक जब तक आप कुछ नहीं कहिएगा हम इसको अब कुछ नहीं बोलेंगे। हम तेरा भी बुरा नहीं होने देंगे लाला। और मिश्री जैसे भी हो व्यवस्था कर और इसका कर्ज चुका। अगर तूने व्यवस्था नहीं करी तो हम तुझे खदेड़ कर तेरे ही घर से तुझे बाहर निकाल देंगे और तेरा घर लाला को दे देंगे। और लाला जब तक ये तुझको पैसा नहीं देती तब तक तू इसको तंग नहीं करेगा, समझा? जाने कौन सी बूटी घोट के पिलाई है चौधरी को इस बुढ़िया ने। इस बुढ़िया के लिए मुझे बेइज्जत कर दिया और वो भी इन सब के सामने। आज तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ मिश्री, पर यह
कल तेरे लिए मैंने जो सोच रखा है ना, उससे तू कैसे बच पाएगी? हमसे जब पैसा उधार लिया था वो कब देगा रे तू? अबे कौन से पैसे है? हम किसी से उधार उधार नहीं लिए। तब तो तुम हमको भी नहीं पहचाने होंगे। तुम कौन है बे? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कैसे ना कि एक बोतल ताड़ी से कुछ नहीं होगा हमारा। अरे ये ताड़ के पेड़ का जूस है, जूस, इसीलिए हमको निशा नहीं चढ़ा। एक बात समझ में नहीं आ रहा कि रोड हिल कर रहा है। हम देखते हैं। अरे इसका तो सांसे नहीं चल रहा है, हम मर गया। तभी हम बोले कि रोड हिल का आ रहा है। हमको क्या है, है? ये गली से नहीं जाएंगे, वो गली से जाएंगे जो जिंदा है। कौन है वे? अरे बोतल को तोड़ दिया। हेलो, जान निकाल दिया। अरे हैं, अबे पुलिस को बुलाएंगे और तुम लोगों को जेल में डलवाएंगे। पुलिस 1 2 गो पुलिस ना, और हाथ घड़ी लगा। हमसे जब पैसा उधार लिया था वो कब देगा रे तू? अबे कौन से पैसे है? हम किसी से उधार उधार नहीं लिए। तब तो तुम हमको भी नहीं पहचाने होंगे। तुम कौन है? अच्छा, इसके कपड़े उतार लेते हैं। वो कर लो, हमको बहुत मजा आएगा। उसके बाद तुम लोग का एक पैसा नहीं देंगे हम। तेरे पास है क्या जो तू देगा? भाई पैसा बहुत है, ये देखो, ये देखो पैसा बहुत है। ए, ए, पैसा बच, पैसा बच, अरे पैसा बच छीन, अरे पैसा काहे छीन रहे, अरे पैसा दे। साला खाने को दाना नहीं और चांदी की चैन पहने हो, लाओ इधर। ए, मस्त, ए, वो हम लोग पैसे तो पैसा छी। घुसना बना के रखा आपने, आप ही जिम्मेदार हैं इन सब की, कि बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप हमसे तो अब बर्दाश्त ही नहीं होता है ये सब। अरे तो तुम खुद ही जाके बाहर काम काय नहीं कर लेती, हमको काय बोल रही हो? इस घर की हालत देख के हम समझ गए हैं, आप लोगों से कुछ नहीं होगा, सब हमको ही करना होगा, हमको ही घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। मर्द के नाम पे धब्बा हो धब्बा तुम। ए? रूठी किस्मत सवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी।